नमस्कार दोस्तों, आप सीखे नेटिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जुगल जोड़ी में राधा रानी का ये खूबसूरत सा पोशाक बनाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। यहाँ तक हमारी चोली बन के तैयार है। अब हम प्रत्येक फंदे में को जाली देते हुए बुनेंगे। पहला फंदा लिया, उसे स्लिप किया, ऊन अपनी ओर किया, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर किया, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर किया, अगला फंदा जाली देते हुए सीधा। इस तरह प्रत्येक फंदे को हम जाली देते हुए और सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड से यहाँ मैंने प्रत्येक फंदे को जाली देते हुए सीधा बुना है, देखिए। और अब रॉन्ग साइड से सभी फंदों को उल्टा बुन लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डोरी डालने के लिए जाली तैयार हो गई है और हमारे पास इस समय 63 फंदे हैं। तो अब हम यहाँ पे ये राधा रानी का ड्रेस जो है वो दो कलर में बना रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे अपना सेकंड कलर अटैच करेंगे। तो सेकेंडरी कलर से हम दो फंदा उल्टा बुनेंगे। दो फंदा उल्टा बुना, फिर उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा। एक, दो, तीन, चार, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, एक, दो, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, चार फंदा सीधा, तीन, चार। तो इन्हीं 6 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। दो फंदा उल्टा बुनना है और चार फंदा सीधा। दो फंदा उल्टा, एक, दो और चार फंदा सीधा। और लास्ट में हमारे पास 3 फंदा है, तो हम इसे एक फंदा यहाँ पे घटा लेंगे और दो फंदा उल्टा बना लेंगे। और रॉन्ग साइड से अब ये दो फंदा उल्टा था, वो दो फंदा सीधा हो जाएगा और चार फंदा उल्टा। तो दो फंदा सीधा और चार फंदा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीसरे लाइन में भी दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा। फिर दो फंदा उल्टा और चार फंदा सीधा, यानी पहले लाइन को ही हम दोहरा लेंगे। और रॉन्ग साइड से चार चार फंदा उल्टा और दो फंदा सीधा, यानी जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा बना लेंगे और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बना लेंगे। तो 4 लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। रंग से 4 लाइन बनाने के बाद अब फिर अपने दूसरे रंग के उनसे यानी प्राइमरी कलर से बनाएंगे। दो फंदा उल्टा, एक, दो, उन दूसरी ओर करेंगे और चार फंदा सीधा था, तो दूसरे और तीसरे फंदे के नीचे आएंगे 4 लाइन नीचे और एक लूप निकालेंगे। और फिर चार फंदा सीधा, एक, दो, तीन, चार, और फिर इसी जगह से एक और लूप निकालेंगे और दो फंदा उल्टा है उसे बुन लेंगे। फिर उन दूसरी ओर करेंगे, अगला चार फंदा सीधा है, तो दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में 4 लाइन नीचे एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक, दो, तीन, चार, फिर इसी जगह से एक और लूप निकालेंगे और दाहिनी सिलाई में चढ़ा लेंगे।
दो फंदा सीधा, हम दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे, इसे दाहिने हाथ की सिलाई में ले लेंगे, चार फंदा सीधा बुनेंगे, एक दो तीन चार। अब फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे और एक और लूप निकालेंगे, दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा देंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा सीधा, उन दूसरी ओर करेंगे, चार फंदे सीधे हैं तो दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे आएंगे और एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे और एक और लूप निकालेंगे, उसे दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा देंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसी जगह में सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, उन सिलाई में चढ़ाएंगे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदा उल्टा, इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। रॉन्ग साइड से दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा लूप का फंदा है तो इसे और एक फंदा, दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदा उल्टा। अब ये हमारा ये फंदा है और ये लूप है तो इसको ऐसे पलटेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना देंगे, सॉरी उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदा सीधा, उन अपनी ओर करेंगे, लूप को और फंदे को दोनों को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदा उल्टा। अब इन दो फंदों को ऐसे लेंगे, इसे पलटेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बना लेंगे, नेक्स्ट दो फंदे सीधे, अगले दो फंदे को एक साथ लेंगे, एक लूप को और एक फंदा को, दोनों को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे, नेक्स्ट दो फंदे लेंगे, ये एक फंदा है और एक ये लूप है, दोनों को एक साथ लेंगे, इसको ऐसे पलट लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक लूप को और एक फंदे को एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बनाएंगे, दो फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट दो फंदों को लेंगे, ये एक फंदा है और ये लूप है, दोनों को एक साथ लेंगे और ऐसे इसको पलट लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदे सीधे, तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तीसरे लाइन में फिर अपने पहले लाइन को दोहराएंगे, यानी कि प्राइमरी कलर से ही दो फंदा उल्टा, फिर चार फंदा सीधा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर चार फंदा सीधा, तो दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा, दो फंदा उल्टा, चार फंदा सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। और रॉन्ग साइड में जो सीधा दिखाई दे रहा है उसे सीधा और जो उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। अब अगला चार लाइन सेकेंडरी रंग के, उनसे दो फंदा उल्टा, फिर उन दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के नीचे आएंगे चार लाइन नीचे और एक लूप निकालेंगे, फिर चार फंदा सीधा, एक दो
चार, फिर इसी जगह पे सिलाई डालेंगे और एक दूसरा लूप निकालेंगे और इसको दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा लेंगे। फिर दो फंदा उल्टा, एक दो, दूसरी ओर करेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में चार लाइन नीचे आएंगे, एक लूप निकालेंगे। फिर चार फंदा सीधा, एक दो तीन चार, फिर इसी जगह में एक और लूप निकालेंगे और उसको ऊपर चढ़ा देंगे, दाहिने हाथ की सिलाई में चढ़ा देंगे। फिर रॉन्ग साइड से दो फंदा सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, एक लूप को और एक फंदे को एक साथ लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा, फिर दो फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को एक साथ लेंगे, एक फंदा एक लूप और इसको ऐसे घुमा देंगे और नॉर्मली उल्टा बुन लेंगे। नेक्स्ट दो फंदे सीधा, फिर उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, ये हुआ लूप और ये फंदा, दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे उल्टे, फिर घुमाएंगे दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर दो फंदे सीधे। तो इसी तरह करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसी तरह हम चार लाइन प्राइमरी कलर से और चार लाइन सेकेंडरी कलर से बुनते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक रंग के ऊन से चार लाइन बनाने के बाद अगला चार लाइन दूसरे रंग के ऊन से बनाया जा रहा है। तो ये तीसरा फूल है, इसमें दो लाइन बनाया गया है, यानी कि दो लाइन अभी बचा हुआ है। तो हम ये तीसरे फूल का तीसरा लाइन है, तो हम ये एक फंदा हम स्लिप करेंगे, फिर हमें यहाँ पे एक फंदा बढ़ाना है, तो इसको हम एक बार उल्टा बुनेंगे, फिर इसी में ऐसे घुमा के एक फंदा ये बना लिया, यानी कि एक से दो फंदा बनाया। तो साइड में जो दो फंदे थे उसमें हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर चार फंदा सीधा, अब चार फंदा सीधा बुनने के बाद यहाँ पे दो फंदा उल्टा है, तो एक फंदा उल्टा बुना, फिर दूसरे वाले फंदे में एक बार उल्टा और फिर इसी को ऐसे घुमाकर एक बार और उल्टा, यानी यहाँ दो फंदे थे अब हो गए तीन। फिर चार फंदा सीधा, यहाँ पे दो फंदा उल्टा है, तो पहले फंदे को हमने उल्टा बुन लिया और ये दूसरा फंदा है, तो इसे एक बार उल्टा बुना और फिर इसी को ऐसे घुमाकर और एक बार और उल्टा, यानी हमने एक फंदा यहाँ पे बढ़ा दिया। अब यहाँ पे दो फंदे थे, अब बढ़ के तीन हो गए हैं। फिर हमारा अगला चार फंदा सीधा है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। फिर से देखिए, यहाँ पे दो फंदे उल्टे हैं, उन अपनी ओर करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे और दूसरे वाले फंदे में एक बार उल्टा, फिर इसी को ऐसे घुमाएंगे और एक बार और इसी में उल्टा बुन लेंगे, तो यहाँ पे तीन फंदे हो गए। तो कहने का तात्पर्य है कि जितने ये हमारे फूल के बीच में दो उल्टे फंदे हैं, तो चार फंदा सीधा बुनने के बाद दो फंदा उल्टा आ रहा है, तो हर जगह हम यहाँ पे जितने ये आ रहे हैं उल्टे फंदे, तो हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 फूल बने हुए हैं। तो हमको यहाँ और ये है, एक और दो फूलों के बीच में उल्टा बुना हुआ था, यहाँ पे आधा हमारा यहाँ पे भी उल्टा है और लास्ट में भी उल्टा है। तो हर जगह ये जो दो दो फंदे बने हुए हैं, यहाँ पे हमें दो का तीन करना है, तो यहाँ पे भी दो फंदे हैं और लास्ट में भी दो फंदे हैं, तो हम सिर्फ एक जगह बनाएंगे, या तो हम यहाँ पे दो का तीन करेंगे या फिर यहाँ पे दो का तीन करेंगे, दोनों जगह हमें नहीं बढ़ाना है, यानी कि हमारा ये 11
पड़ रहा है, उल्टा वाला हिस्सा हमारा 11 पड़ रहा है, लेकिन हमें 10 फंदा ही बढ़ाना है। हमने यहाँ एक बढ़ाया, दो, फिर तीन, चार, पाँच, फिर हम यहाँ बढ़ाएंगे 6, 7, 8, 9, 10, और लास्ट में हमें हम नहीं बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे तीसरे फूल के तीसरे लाइन में हम 10 फंदा बढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर अपने पैटर्न को चालू रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, ये 4 लाइन कंप्लीट हो गया है। हर उल्टे फंदे में हमने एक एक फंदा बढ़ा लिया है। यहाँ पे पहले 2 फंदा था, अब हो गया 3, तो 3 फंदा उल्टा, और फिर यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन बनाएंगे। 4 फंदा सीधा, लूप निकाला, 4 फंदा सीधा बुना, फिर लूप निकाला, और फिर अभी तक हम 2 फंदा उल्टा बुनते थे और अब हम 3 फंदा उल्टा बुनेंगे। 1, 2, 3, फिर लूप निकालेंगे, दूसरे और तीसरे फंदे के बीच में 4 लाइन नीचे आके एक लूप निकालेंगे, फिर 4 फंदा सीधा बुनेंगे, फिर इसी जगह से एक और लूप निकालेंगे और फिर यहाँ पे 2 फंदा उल्टा था, अब हो जाएगा 3 फंदा उल्टा। तो इस तरह हर 4 फंदे के बाद यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ते हुए यहाँ पे 3-3 फंदे हो गए हैं और घेरा थोड़ा सा फैल गया। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा छठा फूल है, 1, 2, 3, 4, 5 और छठा फूल और उसका तीसरा लाइन। तो फिर हम इस लाइन में भी फंदे बढ़ाएंगे जैसा कि हमने तीसरे फूल में 1, 2 इस तीसरे फूल में किया था। तो सेम वैसे ही हम फूल बनाएंगे, यानी जितने भी उल्टे फंदे हैं। तो देखिए, ये पहले हमारा 3 फंदा उल्टा है, तो 2 फंदा हम उल्टा बुन लेंगे और तीसरे फंदे में 2 बार, एक बार बनाया और इसी में घुमा के एक बार और, तो यहाँ पे 3 से 4 फंदा हो, फिर 4 फंदा सीधा, फिर ये 3 फंदा उल्टा है, तो हम 2 फंदा उल्टा बुन लेंगे और तीसरे फंदे में एक बार उल्टा बुना, फिर इसी को ऐसे घुमा के और एक बार और उल्टा बुनेंगे, तो यहाँ पे 4 फंदा उल्टा हो गया, यानी एक फंदा बढ़ गया। तो हमारा ये जितने भी उल्टे फंदों की लाइन है, इन प्रत्येक लाइन में हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह करते हुए ये हमारे जितने भी उल्टे फंदों की ये लाइन है, तो प्रत्येक लाइन में हम एक एक फंदा बढ़ाते चले जाएंगे। तो हमारा ये 10 लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, और लास्ट में ये हाफ और ये हाफ मिलके एक हो जाएगा, इसलिए हम इधर की तरफ फंदे नहीं बढ़ाएंगे, टोटल हम 10 फंदे ही बढ़ाएंगे। तो हमने छठे में बढ़ाया, इसी तरह हम 9th रो में भी ये जब 9वां फंदा बढ़ाएंगे तो 9 फंदे के तीसरे लाइन में भी फंदे बढ़ाएंगे। तो वो हमारा ये 10 फंदा यहाँ बढ़ा, 10 फंदा यहाँ, यानी कि 20 फंदे इस लाइन में बढ़ जाएंगे। फिर अगले तीसरे फूल में फिर 10 फंदे बढ़ेंगे, यानी कि 30 फंदे बढ़ जाएंगे। तो 30 फंदे वहाँ तक कंप्लीट करके, यानी 9th फूल तक कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये 12वां फूल का तीसरा लाइन है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12वां 12वें फूल का तीसरा लाइन है। तो जैसे हम हर तीसरे फूल के तीसरे लाइन में फंदे बढ़ाते हैं, वैसे ही हम इसमें भी बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे 5 फंदे हैं, तो हम 4 फंदा उल्टा बना लेंगे, 3, 4, और 5वें फंदे में 2 फंदा बनाएंगे, एक उल्टा बनाया और फिर इसी में घुमा के एक और उल्टा फंदा, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 4 फंदा उल्टा बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, फिर 5वें फंदे में 2 फंदा बनाया, एक बनाया, घुमा के एक और,
तो इस तरह हमने देखिए ऊपर की तरफ दो दो फूल के बीच में ये दो फंदे थे, फिर तीसरे फूल पे यहाँ पे हमने एक फंदे बढ़ाया तो ये तीन हुए, फिर यहाँ पे चार, पांच और अब यहाँ पे छह फंदे हो गए। इधर से देखिएगा तो आपको स्पष्ट होगा, देखिए यहाँ पे पतला है और इधर बढ़ते हुए चौड़ा होते जा रहा है और इसका घेरा बनते चला जा रहा है। तो इस तरह हम हर उल्टे फंदों में एक एक फंदा बढ़ाते जाएंगे। तो हमने चार बार बढ़ाया है, ऊपर हमारे पास 60 फंदे थे, 61 फंदे थे, हमने एक फंदा माइनस किया, 60 फंदे हो गए और 40 फंदे बढ़ा लिया, यानी कि अब हमारे पास ये 100 फंदे हो गए हैं। और अब ये 12वें फूल का चौथा लाइन है, रॉन्ग साइड है, अब सारे फंदे हम उल्टा बना लेंगे, अब पूरी लाइन हम उल्टा बना लेंगे। ये सीधे वाले फंदे भी उल्टे और उल्टे फंदे हैं उन्हें तो उल्टा बुनना ही है, तो सारे फंदे हम उल्टा बना लेंगे। तो हमने रॉन्ग साइड से सभी फंदे उल्टे बुन लिए हैं, अब हम राइट साइड से भी सभी फंदे उल्टे ही बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, एक फंदे की एक लाइन की उल्टी धारी आ गई है, ऐसे ही हमें दो लाइन की उल्टी धारी यानी बॉर्डर में तीन उल्टी धारियां चाहिए। तो तीन उल्टी धारी बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये दो लाइन बन चुका है, अब ये तीसरा लाइन है, तो दो फंदों को एक साथ लेंगे, उल्टा फंदा बनाएंगे, फिर इस फंदे को वापस बाएं सिलाई में चढ़ाइए, फिर दो फंदों को एक साथ लीजिए, उल्टा बनाइए। तो ये हमारे फंदे घटने शुरू हो गए हैं। ये हमारे फंदे घटने शुरू हो गए हैं, तो इसी तरह करते हुए हम सारे फंदे क्लोज कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे क्लोज कर लिए गए हैं और अब इसमें से ये धागा निकाल के इसको ऐसे कस देंगे। अब ये हमारा राधा रानी का ड्रेस तैयार हो गया है। अब हमको इसकी सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने सिलाई की हुई है, तो सिलाई करने के लिए ऐसे दोनों पार्ट्स को ऐसे पास रखेंगे, फिर आपको ये उल्टे फंदे दिखाई दे रहे हैं, ये उल्टे फंदों की लाइन दिखाई दे रही है इधर भी और इस साइड में। तो जिस लाइन में आप इधर डालेंगे उसी लाइन में इधर भी सुई डालेंगे। तो ये उल्टे फंदों की जो लाइन दिखाई दे रही है एच के तुरंत बाद, उसमें ऐसे सुई डालिए और फिर इस साइड में भी उसी फंदे में ऐसे उसी लाइन में सुई डालिए।
देखिए फ्रेंड्स, राधा रानी का पोशाक बन के तैयार है। यदि आपको इसकी घेर और ज़्यादा करना हो तो आप जितने पीले वाले डिज़ाइन है उसके तीसरे लाइन में फंदा बढ़ाते जाएंगे, तो ये 1 2 3 4 5 6 डिज़ाइन है तो 60 फंदा आपका बढ़ जाएगा। प्रत्येक ये उल्टे वाले लाइन में एक फंदा बढ़ाने से ये 60 फंदा बढ़ जाएगा। तो आप अगर घेरा और करना चाहें तो आप और घेरा कर सकते हैं। तो राधा रानी का पोशाक आपके सामने है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।